हेलो फ्रेंड्स, रिक्की वर्मा टूर्स में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज हम जिस जगह में पहुंचे हैं उस जगह का नाम है मणिकरण, और मंदिर भी है यहाँ पर भोले शंकर जी का, और साथ में एक गुरुद्वारा भी है। दोनों बिल्कुल साथ साथ ही हैं। गर्म जल के स्रोत जो है यहाँ पर जगह जगह पाए जाते हैं। ये मंदिर के अंदर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी गर्म पानी है। चावल भी यहाँ पर जो है मंदिर या गुरुद्वारे में जो लंगर बनता है गुरुद्वारे के लिए, या फिर जो संगत आती है उसके लिए, तो यहीं पर जो है सारे जो है चावल यहाँ पर पकते हैं। ये आप देख रहे हैं, चावल जो है उबल भी रहे हैं। ये भाप देखिए कितनी ज़्यादा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा जो है गर्म होगा। और ये गुरुद्वारा साहिब के कुछ सेवादार जो है डेली रूटीन है इनकी, यहाँ पर पूरी संगत की जो सेवा में जो प्रसाद बनता है तो यहीं पर ही बनता है सारा। ये जो जगह है, ये मंदिर की, ये देख सकते हैं आप, भोले शंकर जी का सामने टेंपल है। ये आप दर्शन भी कीजिए भोले शंकर जी के। तो नंदी जी देखिए, बहुत बड़े नंदी जी यहाँ पर जो है बाहर देख सकते हैं आप। ये देखिए भोले शंकर जी के दर्शन कीजिए। ये मणिकरण जो मंदिर है उनके शंकर जी के दर्शन है, ये आप कर सकते हैं। छोटी सी आपको एक कहानी सुनाता है इस मंदिर को, जितना कि हमें थोड़ा सा पता चला इस मंदिर की कहानी के बारे में। माता पार्वती जी की मणि जो है यहाँ पर इस स्थान पर गिर गई थी, और जब गिरने के बाद शंकर जी को इस बात का पता चला तो शंकर जी ने अपने गणों को है इस जगह पर भेजा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब मणि नहीं मिली तब शंकर जी बहुत ज़्यादा जो है क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद उन्होंने अपना तीसरा नेत्र भी जो खोल दिया, और इस बात को देखते हुए शेषनाग जी ने जो है मणि को ढूंढा और उनको मिल भी गई जो है मणि। तब से ये जगह जो है मणि गिरने के कारण ये जगह जो है उबलती हुई यहाँ पर तब से ही चल रही है, प्रथा जो है चल रही है। और जब भी आप इस टेंपल में आओगे तब आप यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है इस जगह में, आप देख सकते हो, पूरी कहानी को जो है पढ़ सकते हैं। हमने थोड़ा सा शॉर्ट करके जो है आपको बता दी। बहुत लंबी कथा है ये, हम इतनी कथा इस वीडियो में जो है नहीं बता सकते। तो हमें तो यहाँ पर आना बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा लगा। शंकर जी ने बहुत अच्छे श्रृंगार, पंडित जी ने यहाँ पर शंकर जी का बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा श्रृंगार भी किया हुआ है। और देख सकते हैं आप, ये जो जगह है ये यहाँ से पानी जो है नीचे पार्वती रिवर में है जो है गिर रहा है। पार्वती रिवर का पानी इतना ज़्यादा ठंडा और गर्म पानी उसमें जा रहा है, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर जो है भाव बन रही है। ये प्रथा कई सालों से ऐसे ही, लाखों सालों से ऐसे ही चलती आ रही है। जब भी आप यहाँ पर विजिट करोगे तो आप एक अलग ही जो है फीलिंग यहाँ पर पाओगे। इसके बाद हम गुरुद्वारा साहिब भी जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आना। बहुत सारे जो है टूरिस्ट, जो भी टूरिस्ट मनाली आते हैं तो मनाली से आप एक दिन यहाँ पर भी आ सकते हो। अगर आप मनाली से सुबह 9 या 10 बजे भी चलते हो, अगर जल्दी निकलोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ हो जाती है। जल्दी निकलने का फ़ायदा ये भी रहता है कि ज़्यादा भीड़ में आप वो चीज़ें भी बहुत सारी मिस कर देते हो जो कम भीड़ में जो है देखी जा सकती है। जैसे हम भी यहाँ से जो है काफ़ी देर पहले आ गए थे मनाली से, तो सुबह मॉर्निंग चलने के बाद हम यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं, अब तो थोड़ी बहुत फिर भी हो गई है। और एक दिन आप कसौल में भी विजिट कर सकते हो। अगर आप मनाली में, आप 3 से 4 दिन अगर मनाली के लिए लेकर चल रहे हो, तो 2 दिन मनाली रहने के बाद आप एक दिन कसौल और मणिकरण साहिब भी जो है यहाँ पर आ सकते हो। इससे आगे भी एक और विलेज है, यहाँ से 20 किलोमीटर के करीब है, तोश करके एक विलेज है, आप वहाँ पर भी जा सकते हो। वहाँ से तोश से जो है खीर गंगा ट्रैक जो है शुरू होता है, उसके बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन तोश से ही वो जो है जो ट्रैक है वो शुरू होता है।
गाइस चलते चलते हम बाहर की तरफ आ गए हैं। हमने गुरुद्वारा साहिब जी के अंदर महाराज जी के दर्शन किए और इससे हम गुरुद्वारा के बिल्कुल बाहर हैं। हमने लंगर भी खाया, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट जो है लंगर था गुरुद्वारा साहिब जी का। ये देखिए पार्वती देवी, देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। हमें यहाँ पर किसी लोकल्स ने बताया कि जिस टाइम बारिश का टाइम होता है तो आप नीचे देख भी नहीं सकते। तो ये देखिए बिल्कुल साइड में मंदिर बना और बिल्कुल ये साइड में देखिए गुरुद्वारा बिल्कुल साथ साथ ही है गुरुद्वारा और मंदिर। और पीछे से रास्ता है गुरुद्वारा की बैक साइड से, एक छोटी सी मार्केट भी है। आप जब भी आप यहाँ पर आए तो लंगर ज़रूर आप खाइए यहाँ पर, और खाना भी चाहिए हर एक गुरुद्वारे में जाकर लंगर। तो बहुत अच्छा हमें यहाँ पर एहसास हुआ, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है महाराज जी के दर्शन करके और भोले शंकर जी के भी दर्शन करके। बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें अच्छा लगा। देखिए अभी तो काफ़ी सारे जो है टूरिस्ट भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम काफ़ी जल्दी आ गए थे तो इसलिए हमने बहुत सारी अच्छे से सब कुछ देख भी लिया। और पार्किंग स्पेस एरिया भी है, पार्किंग यहाँ पर फ्री है बिल्कुल। काफ़ी सारी गाड़ी, 3 फ्लोर है पार्किंग के, अब काफ़ी बड़ी पार्किंग ही है ऐसी बात है। और तो आप कभी भी यहाँ पर आओ तो मनाली तो सीधा एक दिन के लिए कसौल और मणिकर्ण के लिए भी ज़रूर आए। तो गाइस कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, हम नए से नई जगह नए से नए आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू।